यहाँ पे चल रहा है, शूट चल रहा है किसी गाने का। और चलो बाकी भाई यहाँ से नीचे में मेरा यहाँ से जाते होंगे ना वो नीचे, ये यहाँ से आपने पिक्चर्स में नहीं देखा है कि यहाँ से बंदे भाई फोन ना गिर जाए, भागो 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 भागो। वो देखो नीचे चल रही है बोल रहे घर वालों की मजबूरी देखो। अगर घर वाले भी देख रहे हैं ना इनके क्या मेरे भी देख रहे हैं ना, आप बोलते हो ना कि शादी कर लो। वालों पे नहीं थोप सकता, मन खुद का भी होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जो शादी करते हैं ना फिर बाद में बोलते हैं कि घर वालों ने करवा दी थी हमें। अभी इतनी सारी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम कहाँ पे जा रहे हैं भाई, सबसे पहले आप ये जगह देखो, इस जगह को देखो। और देखने का यार इतना मज़ा आता है ना, जहाँ पे खड़े होके मुझे इतना मज़ा आ रहा है और आपको वीडियो देखने का कितना मज़ा आ रहा होगा। और इस जगह का नाम है भाई चनैनी, और मैंने पीछे से वीडियो जो है वो उसको शूट नहीं किया, और हमने सोचा कि यहाँ से आगे जो है वो हम शूट करेंगे वीडियो को। और आज हम कहाँ पे जा रहे हैं भाई, आज हम जा रहे हैं जिस जगह पे, उस जगह का नाम है मानतलाई। और वहाँ पे क्या है फेमस जिसको देखने के लिए हम जा रहे हैं और इतनी एक्साइटमेंट हम में है, तो भाई वहाँ पे है इंटरनेशनल बिगेस्ट योगा सेंटर जो कि वहाँ पे है। और वहाँ पे हम जा रहे हैं भाई, आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे जो मतलब 9800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है तो वो क्या प्रोजेक्ट है और उसके बारे में बताएंगे। तो भाई ज़्यादा नहीं बोलेंगे जहाँ पे, अब हम दिखाते हैं आपको आगे का। चलो भाई चलते हैं, लेट्स गो। जनाब मानतलाई पहुंचकर हम पी रहे हैं चाय, और चाय के साथ क्या ये क्या चीज़ है यार, ये मैंने खा तो ली लेकिन बताना आप ये है क्या चीज़। मरा ना सही है खाई जाओ ना बाप में पता नहीं है लेकिन खाई चलो हमने मंगल पे ही बोल हाँ। नाम नहीं बताया क्या देना हमने ये थोड़ी बोला कि अंकल जी बोल देना मतलब नाम जैसे होता है कि पिट्ठा देना या फिर बर्फी देना, अंकल जी बोल देना वो ही मान लो अंकल भी हमारे मजे लेने लगे। अंकल बोलते कि ये बो नहीं होता पानी क्या और होता कुछ वो बोलते मीठे वाला कि मीठे वाला नमकीन वाला है ना। तो अभी अंकल गए हैं बाहर, उन्होंने हमें जवाब थोड़ी इस जगह की हिस्ट्री जो है वो उसके बारे में बताया, लेकिन जगह दिखाते हैं सबसे पहले यार। जगह देखोगे तो यार दिल को जो है वो प्रसन्नता आती है। बाकी मुझे क्या मिलता है ये देखो, इन्होंने सब कुछ खा लिया, मुझे मिल रहा है बचा कुचा एक ही काम होता है, जहाँ खाओ जहाँ वीडियो बनाओ। बाकी भाई चलते हैं आगे, दिखाते हैं नीचे आपको बाइक पे। पहले मैंने बोला भैया को कि हम जाते हैं भाई पैदल चलते हैं, लेकिन अंकल ने हमें बोला कि पैदल मत जाना वहाँ पे बड़ी दूर है, तो आप जो है बाइक अगर आपके पास अवेलेबल है तो बाइक के ऊपर ही जाओ ना।
तो हमने भाई बाइक जो है वो यहाँ पर लगा ली है, ये देखो साइड पर लगाई है। और यार आज से 3-4 साल मैं पहले आया था, 3-4 कहाँ यार, 3-4 हो गए होंगे, 3-4 साल पहले आया था मैं, हाँ कॉलेज टाइम 3-4 साल पहले। और उस समय जहाँ पर यार उतनी डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं थी, और इस समय जो है वो डेवलपमेंट भाई जितनी उस समय थी ना, तो उससे भाई आज जो है वो मतलब 10 गुना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। और बाकी इस जगह की बारे में बताते हैं, ये जो बिल्डिंग है ना, क्या थी ये बिल्डिंग, ये होटल बन रहा था इससे, होटल उस समय होटल था, धर्मेंद्र ब्रह्मचारी ने बनवाया था शायद से, हाँ ये होटल था, होटल ही होगा हमें नहीं पता इस बिल्डिंग के बारे में, लेकिन इसके बारे में एक चीज बताते हैं, होटल या हॉस्पिटल था, दोनों में से कुछ बन रहा था। हाँ, एक हॉस्पिटल भी है, उस समय का हॉस्पिटल भी है जहाँ पे आगे वाली साइड, वो भी दिखाएंगे हम आपको। बिल्डिंग हिसाब से देखा जाए तो उसमें लिफ्ट भी लगी है शायद से, हॉस्पिटल ही होगा, लिफ्ट बोल रहे हैं। हाँ यार लिफ्ट भी लगी है। और ये देखो इसका बेस, देखो सबसे पहले बेस देखो कितना मतलब पतला है, है ना, और ऊपर देखो भाई कितना मतलब कितनी ज्यादा जो है वो चौड़ाई है इसकी, चौड़ाई बोलते हैं ना, चौड़ाई भी चौड़ाई बोलते हैं मुझे लगता है, और इतनी बड़ी चौड़ाई है। बाकी हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। और अभी पहले सबसे पहले वो जहां टूटा पड़ा, हाँ जो 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 द्रविंदर ब्रह्मचारी जी जो थे ना, हालांकि उनका नाम जो है वो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हैं ना, बोली मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो जो ब्रह्मचारी जी थे, वो थे कौन एक्चुअली, वो थे जो इंदिरा गांधी जी थी ना, जो तो उनके गुरु थे वो। और वो एक बार कहाँ से, दिल्ली से यहाँ पे आ रहे थे, और दिल्ली से यहाँ पे क्यों आ रहे थे, दिल्ली से यहाँ पे आने का उनका क्या कारण था कि यहाँ पे वो रहते थे, हाँ यहाँ पर आते थे वो, राजीव गांधी हो गए और सोनिया गांधी गांधी हो गई या फिर इंदिरा गांधी भी हो गई, है ना, वो जहाँ पर सोर्सेज के अकॉर्डिंग अभी पता चला है, जो यहाँ पे अंकल उन्होंने बताया कि वो रोटी बनाते हैं यहाँ पे, हाँ उन्होंने बोला कि सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी एक मंत्र रखे हैं, और मैंने खुद अपने हाथों से उनको रोटी, हाँ हम आपको अंकल भी दिखाएंगे। हाँ। और ये देखो ये जो गाड़ियाँ हैं उस टाइम की गाड़ियाँ, और ये देखो ये वाला जहाज है, ये जहाज है और इसका जो आगे वाला आगे, ये देखो जो आगे पंखे होते हैं ना जहाज के, तो ये है भाई वो वाले पंखे, भाई कितने बड़े बड़े पंखे, हमें दूर से ऐसे लगता है ना कि कितने छोटे छोटे हैं भाई, इतने बड़े बड़े पंखे, और फिर भी यार जहाज था तो मतलब इतने बड़े बड़े क्रैश हो गए, दिल्ली से आ रहे थे शायद से, वो दिल्ली से आ रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे वो मतलब लैंड करवा रहे होंगे जहाज को, तो भाई लैंड वो खुद ही हो गए उसके साथ साथ, है ना, अब ऐसे ही बोल सकते हैं हम। और बाकी ये देखो ये जो सामान है ना, ये जहाज का सामान, जहाज का पीछे वाला हिस्सा है, हाँ, और इसका लोहा देखो भाई, लोहा जो है ना उसको लगा है जैसे पुरानी वाली टीन नहीं हमने घरों में लगाई होती है, तो कुछ वैसा ही सीन है, लेकिन ये टायर बड़े क्वालिटी है भाई इसकी, ये उसके टायर बड़े हैं, ये देखो जहाज के टायर, पहली बार मैंने किसी जहाज के टायर को टच किया है, ये देखो। अब ये मत बोलना कि आपके भाई ने जहाज को टच नहीं किया है, हालांकि ये खराब जहाज है, बिगड़ा हुआ और बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। हमारी तरह और हम टाइम पे सुधर जाते थे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये है गाड़ियां, और यहाँ पर क्या क्या है, भाई अभी हम दिखाएंगे आपको जहां पर जिसको बोलते हैं ना कि अलोन मेडिटेशन सेंटर, अलोन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, आइसोलेशन होता है कि आइसोलेशन हो गया मतलब सॉलिट्यूड ही बोल सकते हो, लोनलीनेस से लोनलीनेस का ये अपोजिट बोल सकते हो। और देखो भाई यहां पे ये मतलब एंट्रेंस जो है वो कितना जबरदस्त है इसका, बिल्कुल छोटा सा एक बंदा इसमें घुस सकता है, और अंदर जाने का मेरे को डर लग रहा है, अंदर से आवाजें आ रही है तीन तीन, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन करो, हो
क्या बात है यार, यहाँ पे बैठ के ना मतलब एक सुकून मिलता है। सुकून क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बैठा हूँ और मेरे सामने नीचे जो है वो एक तवी जो है वो रिवर वो बह रही है, और बाकी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देवदार के पेड़ भी हैं, पेड़ हैं इतने अच्छे अच्छे। और नीचे आ जाओ, रास्ते को देखते देखते आना, देवदारों के पेड़ हैं यार। और पास में ये देखो, यहाँ पर कुछ स्विमिंग पूल टाइप जो है वो बने, और मेडिटेशन करो और यहाँ पे आके स्नान लो, और उसके बाद बाइक कितना मजा आने वाला है आपको। चार देवदारों के पेड़ के बीच बैठ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। यहाँ पे बैठो, यहाँ पे भी बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो, अंदर बैठ के कर सकते हो। ये देखो यार, अलग अलग मतलब जिसको नाम बड़ा जबरदस्त किया, किसी ने आइसोलेटेड मेडिटेशन सेंटर, किसी ने सच्ची बोला है कि ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने की जगह। बिल्कुल हाँ हाँ, किसने बोला था, हमारी हमने ही बोल दिया। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, हमारी एक HOD मैम थी, ऐसे ही चश्मा लगाती थी, ऐसे मेडिटेशन हमें परमात्मा से मिलाने का मौका देती है। हाँ, तो अगर मैम आप देख रहे हो तो सॉरी, हम आपको जो है वो कुछ मतलब गलत नहीं बोलना चाहते, बट ये ऐसे नकल कर रहे हैं। अभी सच में हमारी आत्मा परमात्मा से मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही वैसा है। नीचे वाले दिखाओ आप, ये देखो यहाँ पे बना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उस साइड भी। तो भाई एक मैंने गाड़ी ली थी पहले, 1980 की बात है, और आज चला के देखते हैं कि चलती है या नहीं चलती है। हम गया कितने जाना, ये जंगल मानता है चलेगी पता नहीं, पर फील तो कर सकते हैं कैसा मजा आता है। गाड़ी यार क्या पता रोड भी सिंगल है, रोड भी सिंगल है, ब्रेक्स भी भाई लग की लगती हैं इसकी। भाई इसको चलाना पड़ता है यहाँ पे बैठ। और मित्रा देखो इसमें, और ब्रेकें तो हैं यार इसको। बाकी ये मुझे लगता है ये बंदे इस गाड़ी को लेके कोई भेड़ बकरियों के साथ जाते होंगे। टूट नहीं थल पा। क्या बात है भाई, आज आपका भाई गाड़ियों के ऊपर चल रहा है। ये देखो एक गाड़ी से मेरी टांग उतरती है दूसरी गाड़ी के ऊपर। इतनी गाड़ी देखी है गाइस आपने कहीं? ये देखो, ये है मारुति 800 है ना? नहीं, बट आर्मी की है, जैसे इस समय आर्मी के पास होती है ना, ग्रिफ वालों के पास है, और वो वाली पुलिस वालों के पास होती थी पहले। ये भी पुलिस वालों के पास होती, फिल्मों में दिखाया था इसको पहले। जो आपने पिक्चर देखी होगी शोले पिक्चर आई थी, शोले या गले नहीं पर ऐसी वाली गाड़ी शोले नाम के थे, गले नहीं वो अभी तक पता नहीं चला। भाई क्या दिखाएं अभी, ये आगे दिखाते हैं, ये कुछ बना है उसके बारे में। दुबेंद्र में तो भाई यहाँ पर आके यार बड़ा मजा आ रहा है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो ऊपर है ना वहाँ पे एक गाना जो है उसकी शूटिंग चल रही है, और पता नहीं क्या बनाया हो कुड़ी ये चंबे दी ये, कुछ ऐसा ही गाना है, कहीं सुनना ले मेरा वो गाना, फिर सारे भाई इकट्ठे होके मार चलाएंगे। जहाँ तो फैन तो बन जाएंगे, वो गाना छोड़ देंगे हमारा सुनने बैठ जाएंगे। सही बात है, या फिर अपना बंद करके हमारा सुनने शुरू हो जाएंगे। और बाकी अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं ये देखो गाइस, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, जहाँ धर्मेंद्र ब्रह्मचारी जी रहते थे, यहाँ पे रहते थे। अभी मुझे लगता है यहाँ पे इस समय कोई और ब्रह्मचारी जी हैं, और वो हमें निकालेंगे जहाँ से, बोलेंगे भाई कौन हो आप, भागो यहाँ से। क्या पता, देखो पहले घर को देखते हैं उनको। हाँ घर दिखाते हैं आपको, देखो पहले ये देखो
ये देखो भाई, नीचे देखो, बेस देखो कितना पतला है, और ऊपर देखो भाई क्या बात है। मानतलाई में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। 1980 में इधर सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी भी आके रहे हैं। 1980 में यहाँ पर आए सोनिया गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के जो गुरु थे ना, उनका नाम था धरेंद्र ब्रह्मचारी जी, उनके पास और वो यहाँ पे आके रुकते थे। वाह यार क्या अभी घर को देखो आप, घर के ऊपर जा सकते हैं हम? ऊपर क्यों, बहुत यहाँ पे वायर लगाई है, तारें लगाई हैं, ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन भाई इसका बेस देखो यार, कितना छोटा सा बेस है। यहाँ पे जो है वो लॉबी टाइप बनाई है, लेकिन बेस कितना छोटा है, और उसके ऊपर जो पिलर, दो तीन पिलर लगाए हैं सारे। अंदर से पौड़ी है सीधी ऊपर, इसमें लिफ्ट वाला सिस्टम तो नहीं होगा? एक फ्लोर जी है, एक वो देखो फ्लोर दिख रहा है, अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड दिख रहा है फ्लोर। अच्छा नीचे भी फ्लोर है भाई, जबरदस्त चीज है यार ये। मार्बल देखो फर्स्ट टाइम बनाया, मार्बल देखो 1980 का मार्बल है ये। हाँ, और बाकी आप देखो भाई वो क्या बना होगा उस समय, वो क्या हिरन देखोगे भाई आप, हिरन है वहां पे, वो देखो भाई, देखो 1980 की बिल्डिंग, हिरन ही है ना ये, क्या ये वो देखो हिरन है, और 1980 की बिल्डिंग, वो भी 1980 की बिल्डिंग, ये देखो कहाँ गई, मुझे दिख रही नहीं है वो सामने, वीडियो में नहीं दिख रही है भाई। ये है ये जो पेड़ है ना उसके पीछे, जहाज को सिग्नल देते थे भाई जहाज से, कितना जबरदस्त जगह थी, कितना जबरदस्त चीज थी। और वहां पे देखो, वहां पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ भाई, हो रहा नहीं है, वहां पे क्या है, हिरन, हिरन के बच्चे हैं, दिख रहे हैं आपको वो, देखो हिरन के बच्चे आपको जनाब, आपको दिख रहे हैं वो, देखो घास खा रहे हैं, वाह क्या बात है, है? बंदा मेडिटेशन कर रहा हो और उसको हिरन की आवाज जो है वो सुनाई दे रही हो, कितना मजा आएगा। हिरन सामने हो, गाना भी बना ना, हिरन जैसी चाल है तेरी, हिरन जैसी चाल, देखो वो, देखो वो, देखो यार वो है, वो है जो क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल बिगेस्ट योगा सेंटर, बिगेस्ट, ऊपर जाके दिखाएंगे कि कितना बिगेस्ट है वो। देखो यहाँ से सिर्फ उसकी थोड़ी सी गर्दन दिखाई दे रही है, बाकी तो ऊपर दिखाएंगे। सर्दी में आओ, सर्दी योगा करो, पहाड़ में बर्फ देखो, हाय हाय हाय, नीचे तभी बहती हुई, ओए होए होए होए, और साथ में स्विमिंग पूल है, ओए होए 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 होए, पर तो दियार के पेड़ों, वाह जी वाह क्या बात बोल दी आपने, वाह जी वाह, फिर मजा आ गया यार, फिर आत्मा तो परमात्मा से मिल ही जाएगी, वाह जी वाह, और मारना तो ऊपर जाके थोड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसा करना नहीं। कुछ लोग यहाँ पे बेर वगैरह लेके भी आते हैं, गलत चीज है यार, यहाँ पे मत आओ, दूसरी जगह पे बैठ के इस्तेमाल करो उसका। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं करो, करो आपकी, करो लेकिन आपका पैसा है। हाँ लेकिन जो चीज जहाँ के लिए यार, इस जगह की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने पता है कितना पैसा लगाया है, 97 पता नहीं कितने 100 करोड़ मैंने पढ़ा था, मतलब 9800 करोड़ रुपीस इस पर्टिकुलर जगह की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने लगाए हैं। और हम लोग जहाँ पे आएंगे और थोड़ा इसको जो है वो मतलब गंदा करेंगे तो यार वो फिर, ये देखो यहाँ पे मुझे लगता है जो हिरन हमें दिखाई दी है ना, नेचुरल हैबिटेट क्या बोलते हैं रहते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, नेचुरल हैबिटेट बोलते हैं। और यहाँ पे देखो हिरन होते हैं, हिरन ऐसे वाले घर आपको साउथ वाली साइड नहीं, हाँ यार साउथ वाली साइड भी होते हैं बेसिकली, पहले हमारे यही ऐसे होते थे, हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बनाते थे घास को, कह रहे 1947 से पहले की बात होगी, तब ऐसे घर जो है वो होते थे, लेकिन अभी जो है वो जिसको बोलते हैं ना मॉडर्नाइजेशन या फिर वेस्टर्नाइजेशन या फिर थोड़ी डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा हुई, जिसकी वजह से आगे दिखाएंगे जहां वो ब्रह्मचारी जी नहाते थे, उनका स्विमिंग पूल देखना उस टाइम का, 1980 का कितना अच्छा बना, अच्छा हां वो भी है, वाह यार हम भी नहाएंगे वहां पे, अभी बिना पानी के कहां नहाएंगे, पर बने उस टाइम का वो देख लेते हैं उसको, मतलब तब का बना था, लेते हैं अब भाई। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में जो बेल आइकन है ना तो उसको दबाना मत भूलियो, सब्सक्राइब कर दी, क्योंकि जो मेरी नई वीडियो आएगी ना दूसरी, तो वो भी आपको जैसे ही अपलोड होगी तो आपको दिख जाएगी वहाँ पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर।